हेलो भाई लोग, वेलकम टू टेक ब्रोस। आज हम एवेंजर 4 यानी कि एवेंजर एंड गेम का ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाले। सो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फाइनली एवेंजर 4 का ट्रेलर परसों शाम को रिलीज कर दिया गया और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी ब्रेक डाउन, जिसमें हम आपको ट्रेलर के रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल चीज़ों को स्किप करते हुए उसकी ईस्टर वीडियो के लिए सेव करेंगे और यहाँ आपको हम सिर्फ ट्रेलर का एक ओवरव्यू देंगे और बताएंगे कि उसमें बेसिकली क्या दिखाया गया, ट्रेलर 2 और मूवी के लिए क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रेलर वैसा नहीं था जैसा मार्वल से एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि यूजुअली मार्वल बहुत सारी हाइप लेकर आते हैं, बहुत एक्साइटिंग म्यूजिक के साथ, बहुत हैपनिंग सीन्स के साथ दिखाया जाता है। ट्रेलर में एक्शन होता है, ड्रामा होता है और बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी गुंजाइश ही नहीं थी। एवेंजर एंड गेम कुछ ऐसा मूवी बनने वाली है जिसकी शुरुआत बहुत सैड है, क्योंकि पिछले मूवी में हम देख ही चुके हैं थानोस की फिंगर स्नैप की वजह से यानी कि डेस्टिनेशन की वजह से आधे यूनिवर्स, आधे सुपर हीरोज खत्म हो गए और सभी अभी इसी को मॉन कर रहे हैं। और इसीलिए इस ट्रेलर की थीम काफ़ी सैड, थोड़ी सी डार्क और थोड़ी डिस्टिमेटेड सीन ही थी। ट्रेलर की शुरुआत उसी सीन से होती है जिसके बारे में फैंस ज़्यादा वंडर कर रहे थे और वो है टोनी स्टार। वो अभी कहाँ है, क्या कर रहा है और धरती पर वापस कैसे आएगा, ये क्वेश्चन सभी पूछ रहे हैं। और इस ट्रेलर की मदद से उसके रिलेटेड हम काफ़ी सारे आंसर्स मिल चुके हैं। हालांकि अभी भी काफ़ी सारे मिस्ट्रीज बाकी रहते हैं जिन्हें हम फ्यूचर की वीडियो सीरीज के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ ही ट्रेलर में मार्वल स्टूडियोज का लोगो आया है तो हमें वो भी डिस्क्रिमिनेटर आता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें दिखाई गई है, जिस तरह यहाँ पर मार्वल स्टूडियो का लोगो ट्रेलर की शुरुआत में हमें डेस्टिमेट होता नज़र आया था। ट्रेलर का लगभग एंड में जब मूवी का नया पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें एवेंजर के लोगों को आगे हमें मूवी का टाइटल रिवील किया जाता है एंड गेम, वही एवेंजर्स का लोगो हमें वापस रिक्रिएट होता नज़र आता है जैसे कि डिस्टिंग।